लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने चोंग के तीनों सर्वेंट्स को मार के वापस एंट्रेंस एरिया पर भेज दिया था, पर उसे युन से पता चला था कि वो सर्वेंट्स इमोर्टल टॉम को ढूंढ रहे थे। इसलिए एलेक्स वही ढूंढने के लिए एक लेक के पास आ जाता है, जहां उसे एक सिल्वर ड्रैगन मिलता है। लेकिन उसी वक्त वहां जेसिका भी आ जाती है, जो खुद भी सिल्वर ड्रैगन लेना चाहती थी, पर एलेक्स वो सिल्वर ड्रैगन ले लेता है। साथ ही वो जेसिका का एक लेग आर्मर भी रख लेता है। पर तभी वहाँ फॉक्स गर्ल और दो बंदे आ जाते हैं, तो जेसिका उन सबको उस सिल्वर ड्रैगन के बारे में बता देती है कि वो एलेक्स के पास है। तो एलेक्स भी जेसिका के प्रोटेक्टिव क्लोथ्स के बारे में बता देता है, जो उस ड्रैगन से ज्यादा कीमती थे। इसलिए वो तीनों जेसिका के पीछे पड़ जाते हैं और एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी एलेक्स के पास सैन डियांजी आ जाता है, जिसे उस ड्रैगन का पता चल गया था, जिसके बाद वो एलेक्स से लड़के वो ड्रैगन छीनने लगता है। अब आगे तो एपिसोड 125 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फॉक्स गर्ल जेसिका और वो बाकी दो जने भी एलेक्स और सैन डियांजी को देखने आ जाते हैं, जहां एलेक्स को सैन डियांजी पर भारी पड़ता देख फॉक्स गर्ल मन में सोचती है कि आखिर ये लड़का थंडर की पावर को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल कैसे कर रहा है, असल में ये बंदा किस क्लैन का है। इधर सैन डियांजी गुस्से में एक लाइटनिंग बॉल बनाने लगता है। उसी वक्त एलेक्स को दूर से उसके ग्रैंडपा की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन उसी वक्त सैन डियांजी एलेक्स पर अटैक कर देता है, पर एलेक्स उसे किक करके पीछे कर देता है, जिसके बाद एलेक्स सैन डियांजी से कहता है कि अब मैं तुम पर कोई मर्सी नहीं करूंगा। अब एलेक्स का घमंड देखकर वहां खड़ा वो बंदा जिसका नाम जिन ली था, वो एलेक्स पर अटैक करते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा, लेकिन एलेक्स उसे पीछे कर देता है, जिसके बाद जिन ली हेवनली डिवाइन रोप से एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर दूर खड़ा सैन डियांजी कहता है कि आखिर ये एलेक्स कितना ताकतवर है, जो जिन ली को इतनी जल्दी हेवनली रोप निकालनी पड़ गई। इस तरफ एलेक्स वो रोप देखकर जिन ली से कहता है कि अच्छा तो तुम सन डिवाइन टेंपल के मेंबर हो। अब ये कहकर एलेक्स उस रोप के थ्रू जिन ली को लाइटनिंग का झटका देता है, जिसकी वजह से जिन ली इंजर्ड हो जाता है और वो रोप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जिन ली एलेक्स से कहता है कि तुमने मेरी डिवाइन रोप डैमेज कर दी, अब तो तुम बुरी मौत मरोगे। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि कोई भी मुझसे ट्रेजर छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी जिन ली हेल मर्ड बाहर निकालता है, तो एलेक्स उस पे लाइटनिंग पावर से अटैक करता है, पर वो मर्ड उस लाइटनिंग पावर को एब्जॉर्ब करके बड़ी हो जाती है और एलेक्स का पीछा करने लगती है, जिसे देखकर जिन ली एलेक्स से कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, क्योंकि ये हेल मर्ड एक सेक्ट मास्टर को भी मार सकती है। इधर एलेक्स एक जगह छुपके उस हेल मर्ड को उस गोल्डन फर्नेस में कैद करने का डिसाइड करता है, लेकिन वो मर्ड अपने आप ही गोल्डन फर्नेस में आ जाती है, जिसको देखकर एलेक्स को लगता है कि हो सकता है इस फर्नेस के अंदर कई सारी मेडिसिन्स है, तो उसे देखकर वो मर्ड अंदर चली गई है। अब एलेक्स डिसाइड करता है कि वो जिन ली की मिस्टीरियस बोन ले लेगा, ताकि वो बाद में उसके काम आए। लेकिन जब एलेक्स ऐसा कर रहा था तो उस लड़ाई में जिन ली मारा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मिस्टीरियस बोन भी एंट्रेंस वाली जगह पर चली जाती है। उसी वक्त उन सबको एक और ट्रेजर होने का एहसास होता है, जिसे देखकर वो सब उस तरफ चले जाते हैं और एलेक्स अपने दादाजी के ऑरा वाली साइड निकल जाता है। दूसरी तरफ जब जिन ली एंट्रेंस पर फिर से रिवाइव होता है, तो उसे देखकर मैजिकल मिरर से देख रहे लोग बोलते हैं कि ये तो सन डिवाइन टेंपल का मेंबर है, आखिर इसे किसने हरा दिया। उसी वक्त वहां पर एक बंदा आ जाता है और जिन ली से पूछता है कि तुम्हारी फाइट किससे हुई थी। इस पे जिन ली उसे बताता है कि वो लड़का बहुत ताकतवर था और उसके पास थंडर की भी पावर थी। ये सुनके वो बंदा सोचता है कि डीमन क्लैन के बंदों को भी किसी ताकतवर बंदे ने मारा था, तो वो जरूर यही होगा, और पता नहीं ये आगे चलकर क्या क्या करेगा। इस तरफ एलेक्स उस ऑरा को फील करते करते एक जगह पहुंच जाता है, जहां उसे अपने ऊपर से जेस जाता हुआ दिखता है, जिसे वो लड़का भी देख रहा था, जिसके अंदर से एलेक्स को अपने ग्रैंडपा के ऑरा की फील आ रही थी। इसलिए एलेक्स का यकीन और बढ़ जाता है कि यही उसके ग्रैंडफादर है। उसी वक्त एलेक्स के ग्रैंडफादर के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उन पे अटैक करने ही वाली थी। तभी एलेक्स उन्हें अलर्ट कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स के ग्रैंडपा बच जाते हैं। तभी उस पोर्टल में से वही बंदा बाहर आता है जिसे हमने पहले देखा था, जो एलेक्स के ग्रैंडपा का पीछा कर रहा था, जिसका नाम मिंगजी था। अब मिंगजी एलेक्स के ग्रैंडपा को बोलता है कि तुम्हारी स्पीड तो अच्छी है, पर आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे।
ये सुन के एलेक्स के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से फाइट शुरू करो। असल में मिंगजी को एलेक्स के ग्रैंडपा से मिस्टीरियसली फील आ रही थी, जैसे कि वो कोई और हो, इसलिए उसने उनपे अटैक करा था। और एलेक्स के ग्रैंडपा इसलिए मिंगजी से लड़ रहे थे क्योंकि ये एक कॉम्पिटिशन था और यहाँ एंड में सब लड़ने ही वाले थे। अब मिंगजी एलेक्स के ग्रैंडपा पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं। इसलिए वो मिंगजी से बोलते हैं कि अगर मेरी हालत ठीक होती तो मैं तुम्हें यहाँ आते ही मार देता। ये सुन के मिंगजी गुस्सा हो जाता है और फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बना के एलेक्स के ग्रैंडपा पर अटैक करता है, जो शील्ड बना के बचने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इंजर्ड होने की वजह से उनमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी। उसी वक्त वहां धुआं धुआं हो जाता है, जिसके हटने के बाद हम देखते हैं कि एलेक्स ने शील्ड बना के अपने ग्रैंडपा को बचा लिया था, जिसके बाद वो मिंगजी पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। तो मिंगजी एलेक्स से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मुझे इस लड़के से कुछ काम है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर मिंगजी को एलेक्स का ऐसे ऑर्डर देना पसंद नहीं आता, इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि मुझसे बदतमीजी से बात करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अब मिंगजी एलेक्स पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे बड़े आराम से बच जाता है, जिसके बाद वो अपनी लाइन बीज टेक्निक और अपनी बर्ड टेक्निक से मिंगजी पर अटैक करता है, जिससे मिंगजी अपनी तलवार की मदद से बच जाता है। जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि मेरा इन मामूली अटैक से कुछ नहीं होने वाला। अब वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बना के एलेक्स पर वार करता है, लेकिन इतने में एलेक्स थंडर से वो स्पिरिचुअल बॉडी तबाह कर देता है। जिसके बाद वो मिंगजी से कहता है कि तुम्हें असली अटैक्स दिखाने ही पड़ेंगे। अब एलेक्स स्पिरिचुअल पंच से मिंगजी पर वार करता है, जिसे मिंगजी रोकने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त एलेक्स थंडर की मदद से दूसरी साइड से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी मिस्टीरियस बोन वापस एंट्रेंस की तरफ जाने लगती है, जहां जाने से पहले मिंगजी की वॉइस एलेक्स से कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ के जरूर मारूंगा। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जब टाइम मिले आ जाना। अब उसके जाने के बाद एलेक्स उस लड़के से पूछता है कि क्या आप लोअर वर्ल्ड से हो। तो ये सुन के एलेक्स के ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस लड़के को मेरी असलियत कैसे पता। इसलिए वो एलेक्स के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि बाकी किसी को भी उनकी बातों का पता ना चले। जिसके बाद वो एलेक्स से कहते हैं कि हाँ, मैं लोअर वर्ल्ड से हूँ। ये सुन के एलेक्स उनसे पूछता है कि मैंने देखा है कि आप जेस के इमोर्टल आर्मर को देख रहे थे, तो क्या आप उसके पीछे हो। जिस पे एलेक्स के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं उस आर्मर के पीछे नहीं, बल्कि जेस मेरा पोता है, इसलिए मैं उसे देख रहा था। ये सुन के एलेक्स को कंफर्म हो जाता है कि यही उसके ग्रैंडपा है, इसलिए वो उनसे कहता है कि आपका लोअर वर्ल्ड में भी एक ग्रैंडसन है ना। ये सुन के एलेक्स के दादाजी सोचते हैं कि ये लड़का है कौन जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है, पर इसके इंटेंशन मुझे बुरे नहीं लग रहे। इसलिए एलेक्स के दादाजी एलेक्स को हाँ करते हुए कहते हैं कि हाँ, मेरा लोअर वर्ल्ड में एक और ग्रैंडसन है, पर वो मर चुका है, लेकिन अगर वो आज जिंदा होता तो वो अपर वर्ल्ड के बहुत से लोगों से ताकतवर होता। ये सुन के एलेक्स उनसे कहता है कि आपका ग्रैंडसन अभी भी जिंदा है। तो एलेक्स के ग्रैंडपा हैरान होते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम उससे मिले हो। ये सुन के एलेक्स अपने घुटने पर बैठ जाता है, जिसके बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और फिर वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा, मैं आपकी स्पिरिट बॉडी से डीमन आइलैंड में मिला था, पर मैं बॉडी को बचा नहीं पाया, लेकिन उसके बताए रास्ते को फॉलो करके यहाँ पहुँच गया और आखिरकार आज मेरी मुलाकात आपसे हो ही गई। ये सुन के एलेक्स के ग्रैंडपा चौंक जाते हैं और उन्हें एलेक्स में जेसन की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि यही एलेक्स है। अब वो अपनी असली फॉर्म में आ जाते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि मुझे बहुत समय से लग रहा था कि मेरी स्पिरिट बॉडी को कुछ हुआ है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम उससे मिले हो। और पता भी कैसे होता, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत समय तक ढूंढा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम तो मारे जा चुके हो। ये सुन के एलेक्स अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं आपका यानी ग्रेट डीमन लॉर्ड का बेटा हूँ, तो मैं ऐसे कैसे मर सकता था। ये सुन के एलेक्स के ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। आगे एलेक्स अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आपने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है। इस पे एलेक्स के ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब तो मैं वेनरेबल लेवल पर पहुंच चुका हूं, पर अभी तक मुझे अपनी बॉडी और अपना कल्टीवेशन स्टेबल करने का मौका नहीं मिला। उसी वक्त एलेक्स के ग्रैंडपा खांसते हैं, तो एलेक्स उन्हें चेक करने लगता है, जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि आपकी ब्लड एनर्जी बहुत अजीब लग रही है।
इस पे ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ऐसा उस ट्रेजर की वजह से है जो मुझे डीमन आइलैंड पर मिला था। ये सुन के एलेक्स उनसे कहता है कि लगता है आपका वो ट्रेजर अच्छे से कंज्यूम नहीं हुआ है और वो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सुन के ग्रैंडपा एलेक्स से कहते हैं कि मैं उसे अच्छी तरह कंज्यूम कर ही रहा था, पर मेरे पीछे इमोर्टल टेम्पल के सैनिक लग गए थे जिसकी वजह से मुझे भागना पड़ा और फिर से वक्त ना मिलने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। ये सुन के एलेक्स गुस्से में कहता है कि मैं इस इमोर्टल टेम्पल को एक दिन पूरी तरह खत्म कर दूंगा। अब एलेक्स के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।